मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया सीबीआई की ओर से, पहले 5 दिन और फिर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। अब जब उन्हें पेश किया गया तो सीबीआई ने और रिमांड नहीं मांगी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे। इसके अलावा उनके पास 33 में से 18 विभाग थे, जिसमें आबकारी विभाग भी था। आबकारी नीति में अनियमितता का मामला, इस मामले में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की बात, प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप, और इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, यानी उनकी होली जेल में ही मनेगी। इससे पहले होली के लिए जमानत मांगी गई थी। सिसोदिया शराब घोटाले में आरोपी है, सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अपराध करने वालों का यही हश्र होता है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि सिसोदिया का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। जांचें आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। पिछली कोर्ट हियरिंग में मनीष सिसोदिया जी ने खुद खड़े होकर कोर्ट के सामने कहा कि उनको मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। एक सवाल को ही बार 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 पूछकर क्यों बार बार सीबीआई को एक ही सवाल पूछना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत है। Zee News.